तो गाइस इस समय इतनी ज्यादा स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ चुकी हैं बेसिकली कि हमें ये चुनने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है इस समय कि हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस कौन सी रहेगी, यानी आपके लिए कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस बेस्ट रहेगी जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सको। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ टॉप 3 स्ट्रीमिंग सर्विस के बारे में और अदर स्ट्रीमिंग सर्विस के बारे में भी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो गाइस स्ट्रीमिंग सर्विसेज बहुत सी आ चुकी हैं, लेकिन जो टॉप 3 स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो आप सबको भी पता है कौन सी हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो सबसे पहले गाइस हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के बारे में, और इससे पहले कि मैं नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ बताऊं तो उसके प्लान के बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। तो नेटफ्लिक्स अपने प्लान को कम किया, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये ऊपर आई बटन मिल जाएगी, लेकिन तब भी मैं आपको प्लान के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। जो इनका 149 वाला प्लान है उसमें आपको सिर्फ मोबाइल में चला सकते हो, 199 प्लान में आप किसी पर भी चला सकते हो लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही डिवाइस में चला सकते हो, और दोनों प्लान में सिर्फ आपको 480p रेजोल्यूशन ही देखने को मिलेगा। और जो इनका थर्ड प्लान है 499 रुपये का, वो आप दो डिवाइस पे एक साथ चला सकते हो, इसमें आपको 1080p रेजोल्यूशन यानी 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और जो इनका हायर प्लान है 649 रुपये का, इसमें आपको 4K रेजोल्यूशन, HDR का सपोर्ट और 4 डिवाइस पे एक साथ आप चला सकते हो। और जितने भी मैंने आपको प्लान बताए ये सारे प्लान मंथली प्लान है। तो नेटफ्लिक्स आपके लिए क्यों अच्छा रहेगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइस इस साल जो सबसे ज्यादा फेमस कंटेंट वेब सीरीज और मूवीज रही वो आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी। जैसे आप जानते हो कि मनी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, स्किड गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है और इस समय भी पॉपुलरिंग चल रहा है, और इसके अलावा गाइस इसके अलावा आता है द विचर सीजन 2 जो अभी हुआ है लॉन्च, वो भी कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये भी आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलता है। और लूसीफर तो कितने सीजन आ चुके हैं आप जानते हो, ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलता है। और कई सारी ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ हैं जो सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलती हैं। तो गाइस आप इस टाइप की मूवीज़ या वेब सीरीज़ के शौकीन हो, हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई एक्शन, अच्छे VFX के साथ सब कुछ देखना चाहते हो तो बेशक आप नेटफ्लिक्स की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको काफ़ी इंथ्रोजिस टाइप के वेब सीरीज़ मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो गाइस ऐसा मैं नहीं कि नेटफ्लिक्स पूरी तरीके से परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। नेटफ्लिक्स के अंदर आपको कोई भी मार्वल की मूवीज नहीं देखने को मिलती है, पुराने इक्का दुक्का मूवीज आपको भले ही देखने को मिल जाए और लेकिन आजकल की कोई भी मार्वल की मूवीज आपको नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आपको कोई भी हैरी पॉटर की मूवीज नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी मार्वल की वेब सीरीज या शो नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम आपको नेटफ्लिक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो गाइस अब बात करते हैं ये सब चीजें हमें किस में देखने को मिलेगी। अगर आप मार्वल के फैन हो और चाहते हो कि मार्वल की कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो तो आपके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने पिक्सार और मार्वल के साथ पार्टनरशिप की है और आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अंदर मार्वल की सारी मूवीज, सारी वेब सीरीज या टीवी शो जो भी आते हैं मार्वल के आपको देखने को मिल जाएंगे। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हॉटस्टार के यानी कि स्टार के जितने भी चैनल होते हैं वो लाइव आप देख सकते हो, उनके नाटक जो टीवी शो टीवी पे आते हैं वो आप उन्हें हॉटस्टार पे देख सकते हो, डिज्नी की मूवीज देख सकते हो, मार्वल की मूवीज देख सकते हो और कई सारी मूवीज हैं जो हिंदी में रीजनल हैं सारी भाषाओं में आपको देखने को मिल जाती हैं हॉटस्टार पे, वो आप देख सकते हो। तो मार्वल के फैन हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रह सकता है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो प्राइस हैं वो मैं आपको इस समय बता देता हूँ। तो गाइस इस समय जो प्राइस हमें देखने को मिलता है VIP प्लान 399 पर ईयर है और इसमें आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता, 720p रेजोल्यूशन देखने को मिलता और एक समय पर एक ही डिवाइस पर चला सकते हो, और ये 399 का जो प्लान है ये एक साल का प्लान है। और इसके अलावा इसके बाद जो दूसरा प्लान आता है सुपर प्लान आता है वो आपको 899 का देखने को मिलता है, ये भी यानी कि 899 रुपये देखने को मिलता है, ये भी एयरली प्लान है और इसमें आपको 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और इस एक साल इसमें आप दो डिवाइस चला सकते हो। जो इनका तीसरा प्लान है वो है 1499 रुपये का, इसमें आप 4 डिवाइस पर एक साथ चला सकते हो, 4K रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, Dolby 5.1 भी देखने को मिल जाता है और सुपर में भी आपको Dolby 5.1 देखने को मिल जाता है। गाइस ये था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लान।
तो डिज्नी प्लस के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि आपको ये क्यों बेनिफिट हो सकता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी तीसरी स्ट्रीमिंग सर्विस अमेजोन प्राइम के बारे में। तो गाइज आप जानते हो कि अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये कि आप इनके amazon.in पर जो भी परचेज करते हो उसमें आपको फ्री डिलीवरी ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको अर्ली डील एक्सेस वगैरह देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसके अलावा आपको Amazon Prime Music देखने को मिल जाता है और इनकी जो बुक्स लाइब्रेरी उसमें भी आपको कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको Amazon Prime Video तो देखने को ही मिलता है, लेकिन Amazon Prime Video पे भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और Amazon Prime में आपको हैरी पॉटर की सारी मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी, फैंटास्टिक बीस जैसी मूवीज़ आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएंगी। Amazon Prime Video पे काफ़ी अच्छे कंटेंट, जो फेमस कंटेंट, पॉपुलर कंटेंट है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे द फैमिली मैन, मिर्ज़ापुर जैसे कंटेंट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस पर आपको पुरानी मूवीज़ भी देखने को बॉलीवुड की मिल जाती हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज अब मैं आपको Amazon Prime के प्लान के बारे में भी बता देता हूँ। जो इस समय इसका जो प्लान है 3 मंथ का प्लान है वो है 459 का, यानी 459 रुपये का। और जो 1 मंथ का प्लान है इस समय हो गया 179 का, जो पहले था 129 का। 3 मंथ का 459 का, जो एनुअली प्लान है इनका हो गया 1499 रुपये का, जिससे जो कि आपको फर्स्ट स्टार का जैसे देखने को मिलता है सेम वैसे ही आपको Amazon Prime का भी 1499 रुपये का देखने को मिल जाता है। तो गाइस जितनी मैंने डिटेल आपको बताई उस हिसाब से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस बेस्ट रह सकती है अपने कंटेंट चॉइस के हिसाब से। अगर आप मार्वल के शौक हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जा सकते हो, हैरी पॉटर या फैंटास्टिक बीस्ट या अदर जो भी मूवीज़ आती हैं वैसी आप Amazon Prime पे जा सकते हो। नेटफ्लिक्स की तो आप जानते हो कि कैसी कैसी मूवीज़ आती हैं। तो गाइस मेरा पर्सनल जो ओपिनियन रहेगा, अगर मैं कहूँ तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट, जो मेरे लिए बेस्ट रह सकता है वो नेटफ्लिक्स रह सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको बोरियत देखने को नहीं मिलती है, रहेगा तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है और इसके बाद आपको हर दूसरे सप्ताह एक नया कंटेंट ज़रूर देखने को मिलता है। इसका प्लान महंगा ज़रूर है लेकिन हर दूसरे वीक आपको एक नया कंटेंट देखने को मिल जाता है, जबकि इन अदर दो सर्विसेज हैं इनमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको 1 ईयर का प्लान देखने को मिलता है, इनमें एक महीना तो जम कर ये उस कंटेंट जो होता है वो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको कंटेंट देखने को ही नहीं मिलता है। आपको हो सकता है 1 महीना वेट करना पड़े, 2 महीना वेट करना पड़े, 3 महीना वेट करना पड़े, हो सकता है कंटेंट जल्दी आए ना, लेकिन नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं होता, आपको हर दूसरे वीक कोई ना कोई नया कंटेंट देखने को मिल ही जाता है। तो गाइस सबके अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं, तो इस तरीके से आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस रह सकती है। अगर आप सिर्फ हिंदी मूवीज़ के शौकीन हो तो आप Zee5 या सोनी लिव की तरफ जा सकते हो, इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही फ्री वाला वेबसाइट ढूंढ रहे तो वो MX Player सबसे आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इस MX Player पे भी बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ है कंटेंट मत्स्य कांड, वो भी सिर्फ आपको MX Player पे ही देखने को मिलता है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रह सकता है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रह सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।